सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद का लोकप्रिय न्यूज पोर्टल। मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। बीते कुछ दिन पहले धनबाद में लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण वार्ड नंबर 19 का एक ऐसा इलाका जो पानी के कारण पूरा बर्बाद हो गया। मैं आपको बता दूं कि इसकी जानकारी पार्षद प्रत्याशी समाज सेवी शमीम अख्तर को मिली। शमीम अख्तर फौरन वहां पहुंचे और वहां पर राशन वितरण किया। मैं आपको बता दूं कि खाने के लिए मोहताज हो गए थे वहां के लोग। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वहां के लोग पार्षद प्रत्याशी समाज सेवी को मसीहा मान रहे हैं। देखिए हमारे चैनल के माध्यम से पार्षद प्रत्याशी के बारे में वहां के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। नेशनल टुडे लैब से सरताज की रिपोर्ट। कोई नहीं आया, एगो आए समीम भाई बोलते हैं से आए जी। तो वो क्या बोले? वो बोले कि खाना उना हम लोग दे रहे हैं जी। तो हम लोग बोले कि ठीक है दे दीजिए, और वो बोले कि जितना हम लोग से बनेगा जी उतना मदद करेंगे। समीम भाई कौन है? 19 वार्ड नंबर के हैं, पार्षद हैं जी। वही तो आप लोग को क्या लगता है, ये चुनावी मुद्दा है क्या? चुनाव को देख के वो काम कर रहे हैं? नहीं, अब नहीं, वो सब के नहीं है। अब देखिए आदमी के इंसान रहते हैं, मदद करने वाला के अलग ही दिमाग है। तो आप लोग के लिए मसीहा बन के आए समीम साहब? हम लोग के लिए मसीहा बन के आए, समझे कि अब भूखे मर रहे हैं तो उनके चार को रोटी दे दी तो मसीहा ना उसको बोलेंगे। क्या नाम, अपना नाम बता दे। लक्ष्मी देवी। रात के हम लोग देखो के गिए। क्या बोले वो? बोले के ठीक है, जहाँ तक ले मदद होगा हम मदद उनको आप लोग के करेंगे जी। आ सब जितना कचरा उचरा है, खर्चा पानी कुछ दे दिए जी, ठीक न। आप बोले खाना वाना का व्यवस्था कर देंगे तो हम लोग बोले कि नहीं, अभी हम लोग खाना वाना खा लिए हैं जी, हम आपको बोलेंगे। हम लोग तो आप लोग के लिए मसीहा बन के आए समीम साहब। हाँ, आप लोग की समस्या का हल निकालने के लिए बात कही। अभी भी बोल रहे हैं सलीम भाई कि हम सब बांध बनवा देंगे, साफ सुथरा करवा देंगे, हम जैसे कलाली में करवाएं जी, नदी साफ करा दीजिए जी जी जी। तो हम पहले भी उनको शुरू दिन बोले कि हम लोग भी नदी साफ करा दीजिए जी। हाँ, क्या नाम हो आपका? हमारा नाम है अशोक चौहान। कहाँ रहते हैं आप? गुली मोनी मटकुरिया।